बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आज़ीन नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही लोग खैर वापस होंगे। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है और इसकी कौन से आपको कैप्सूल खाने चाहिए और इसको खाने से आपको क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। तो नाज़रीन, वीडियो का तफसीली आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप होम फिजिशन पर न्यू हैं तो काइंडली होम फिजिशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम फिश ऑयल के ज़रिए ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए आज जो आपको मैं कैप्सूल के बारे में बताने वाली हूँ वो एक बेस्ट फिश ऑयल कैप्सूल है जिसका नाम है प्योर अल्ट्रा ओमेक्स 3 कैप्सूल। नाज़रीन, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजिली 15 रुपये का एक कैप्सूल मिल जाएगा। नाज़रीन, इस कैप्सूल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कौन से पेशेंट इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें ये मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं कि ये किस किस अमराज को दूर करता है। नाज़रीन, EBA DHA यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हमारी बॉडी में पैदा नहीं होता, इस वजह से ही हमको इसको बॉडी में बैलेंस रखना होता है। और अगर ये बैलेंस ना रहें तो हमारे को नींद नहीं आती, जॉइंट्स पेन रहने लगता है, बॉन्स पेन रहने लगता है, आपका ब्रेन फंक्शन सही से वर्क नहीं करता, दिमाग की ग्रोथ नहीं होती, आइस पेन रहता है, आंखों से पानी आता है, कम नज़र आने लगता है, इम्यूनिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हेल्थ आपकी गिरने लगती है, हार्ट पेन रहने लगता है, हार्ट के अमराज से लाहक हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, डिप्रेशन में रहने लगते हैं आप लोग, स्वाइलिंग आ जाती है यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फूलने की बीमारी लग जाती है, रिंकल्स पड़ने लगते हैं और वेट गेन होने लगता है, मेंटल लेवल आपका सही से वर्क नहीं कर रहा होता। सो नाज़रीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड को बैलेंस रखने के लिए हमें ज़रूर फिश कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में और हलाल ऑयल है ये, या ओमेक्स 3 कैप्सूल। आप लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अगर आप लोगों को वो डिजीज़ हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड को बॉडी में बैलेंस रखने के लिए बहुत से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि फ़िश खाएँ, गोश्त खाएँ, ड्राई फ्रूट्स लें, फ्रूट्स लीजिए और अपनी खुराक को अच्छे से अच्छा कीजिए, क्योंकि ये खुद तो पैदा नहीं होता, ये खाने के ज़रिए ही पैदा किया जा सकता है या फिर फ़िश कैप्सूल के ज़रिए पैदा होता है। नाज़रीन, हाई ब्लड प्रेशर वाले, शुगर पेशेंट, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें, या उन्हें या फिर वो पेशेंट जिन्हें मेडिकली कोई प्रॉब्लम है वो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ओमेक्स 3 कैप्सूल बहुत बेस्ट कैप्सूल है। नाज़रीन, इसका इस्तेमाल आप लोग ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात की जाए कि इसे कब इस्तेमाल करना है, तो इसे सुबह नाश्ते के बाद आपने एक कैप्सूल को डेली बेसिस पे खाना है। इसका इस्तेमाल आपने तकरीबन 2 महीने तक करना है। मैंने कैप्सूल में लिखा हुआ भी था कि सुबह के वक्त खाना है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।